नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्सिस बैंक की धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। एक्सिस बैंक की बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बढ़िया स्कीम मार्केट बोल रही है, उसका रिटर्न बोल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो उसका 90 लाख रुपये आराम से बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं है भाई 1 लाख ही लगाना, आप 50,000 भी लगा सकते हो, 10,000 भी लगा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक की धमाकेदार स्कीम, जिसके अंदर कैसा रिटर्न है, कैसे स्कीम है, कैसे इसके अंदर पैसा लगाना है आपको। और एक्सिस बैंक मतलब आपको पता है भारत का बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा भी लगाया हुआ है। तो चलो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इस स्कीम का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। क्या है ये? है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब क्या? आप पैसा डालते हो और पैसा जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब रिस्क दोस्तों, रिस्क है तो रिस्क है। आपकी जितनी इनकम है ज़्यादा पैसा मत डालो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना डालो। 10,000 कमाते हो 1,000 डालो, 10 लाख रुपया कमाते हो तो 10,000 डालो। आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से डालो, ज़्यादा रिस्क मत लो। लेकिन ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, अभी मार्केट ग्रो कर रहा है इसलिए इसमें डाल सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। मतलब ये फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 1 साल का। आप यहाँ पे देखें तो 41.25% रिटर्न इसने निकाल के दिया है। अभी आगे हम बात करें तो ये फंड का 3 साल का रिटर्न, ये फंड आया है जब से 3 साल लास्ट 3 ईयर में इसने रिटर्न निकाल के दिया है 29.40%, यानी कि अप्रॉक्स 30% रिटर्न इसने निकाल के दिया है लास्ट 3 ईयर में। यानी कि 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट इसने डबल कर दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी आगे बात करें तो 5 साल मतलब ये फंड आया है तब से 5 साल में इसने रिटर्न निकाल के दिया है यहाँ पे 30.03, यानी कि 30% कॉन्स्टेंट रिटर्न दे रहा है 5 साल से ये फंड। अभी ऑल टाइम मतलब ये जे फंड आया तब से अब तक इसने रिटर्न निकाल के दिया है 25.32, यानी कि हम एवरेज रिटर्न देखें तो ये फंड आया है तब से इसका है 25%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। दोस्तों इसमें अगर आपको पैसा डालना है, अगर आप नौकरी करते हो छोटी, अगर आपको 500 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करना है तो भी कर सकते हो, 1,000 रुपया करना है तो भी कर सकते हो, और आपके पास पैसा पड़ा है 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया और आप डालना चाहते हो म्यूचुअल फंड में तो भी आप लमसम डाल सकते हो इसके अंदर। अभी बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। भाई म्यूचुअल फंड आपको पैसे को मैनेज करता है, फ्री थोड़ी करेगा, उसके ऊपर चार्ज लेगा। उसका चार्ज है 0.51%, यानी कि 50 पैसा, 100 रुपये पे 50 पैसा चार्ज, यानी कि काफ़ी किफ़ायती है, ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहा है। अभी बात करते हैं एग्जिट लोड। मतलब एग्जिट लोड मतलब आपको, अरे ये पैसा भरा, मुझे इसमें पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस दो, मुझे ये स्कीम भी नहीं रखना है, बंद करना है, तो भाई 1% पेनल्टी लगेगी, 100 रुपये पे 1 रुपया पेनल्टी काट के पैसा वापस, वो भी 12 महीने के अंदर। 12 महीने के बाद कुछ भी यहाँ पे पेनल्टी नहीं है, इसलिए आप जब चाहे तब निकल सकते हैं। अभी आगे बात करें तो इसकी होल्डिंग्स, मतलब इसने तो आपके पास पैसा ले लिया लेकिन ये पैसा डालता कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी कंपनी है लेकिन बहुत सारी कंपनी है। मिड कैप, ये एक स्मॉल कैप फंड है इसलिए थोड़ा रिस्की फंड है। यहाँ पे हम देखें तो इसने पैसा लगाया है ब्रिस्टलॉफ्ट ऑफ लिमिटेड में 4.5%, फिर यहाँ पे आप देखिए तो नारायण लिमिटेड में है 4%, फिर ब्रिज एंटरप्राइज लिमिटेड में 4.25%, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग में है 3.25%, ब्लू स्टार लिमिटेड में है 3.5%, फिर यहाँ पे देखिए तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है यहाँ पे 3.5%, CCL प्रोडक्ट लिमिटेड में है 2.5%, फिर JB केमिकल फार्माटिकल लिमिटेड में है 2.25%, JK लक्ष्मी सीमेंट में है 2.25%, और कैनफिन होम्स में है 2%। यानी कि सब छोटी छोटी अच्छी अच्छी बड़ी जो ग्रो कर रही है उस कंपनी में इसने पैसा डाला है, इसलिए आप समझ सकते हो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ये सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब कंपनियों का ग्रोथ अच्छा है तो आपका पैसे का ग्रोथ अच्छा होगा। कितना होगा, कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पे हम देखते हैं। अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपये लगाते हो कितने 10 साल के लिए, तो आपको मिलेगा 9,31,000 रुपये। भाई 9 लाख में क्या आता है आज? कुछ नहीं आता। भाई रुको, थोड़ी देर रुको। अभी मानो कि 1 लाख रुपये आप अगर लगाते हो 15 साल के लिए तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है
28,42,000 रुपये आया ना मजा। 15 साल में आपको सीधे 1,00,000 का 30,00,000 28,00,000 रुपये मिल जाएगा। और वेट करोगे 20 साल तक तो आपका 1,00,000 रुपये अगर लगाते हो 20 साल तक तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 86,74,000, यानी कि अप्रोक्स 90,00,000 रुपया। वो भी 20 साल बाद, हायर एजुकेशन, डॉक्टर, बच्चे को पढ़ाना है, शादी करना है, तो अभी 1,00,000 रुपये लगाओ, 20 साल बाद आएगा 90,00,000 रुपया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बात करते हैं 25 साल, अगर आपने ये फंड में 25 साल काट लिए फिर तो ख़त्म, इसका रिटर्न आएगा 2,65,00,000 रुपया, इतना ज़्यादा रिटर्न। दोस्तों एक शेयर बाजार रिलेटेड स्कीम है, आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक्सिस बैंक तो आपको पता ही है कैसी है। जय भारत, जय हिंद।